एम्स, तेरा चौबीस, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो जनरली पूछा जाता है। किंग्स इलेवन, वाह वाह वाह, किंग्स इलेवन, किंग्स इलेवन, चलो वेरी गुड, किंग्स इलेवन, के इलेवन। और बोलो जो तुम्हें पाना, जो जो तुम्हें इजी लगे। तो ई जे ओ टी वाई, G7, इसने बोला किंग्स इलेवन, M13, N14, ये आ गया आपका P16, ये याद कर लो भाई, ये याद कर लोगे ना जितने भी लिखवाए, इससे आसपास पहुंच जाओगे, इसके आसपास पहुंच जाओगे, बस ये चीजें याद कर लो। और दो कितने याद हो गए, 5, 6, 3, 9, 10 तो याद हो गए, तो बचा तो 16 ही ना, 16 तो आसपास पहुंच के भी पहुंच जाओगे ना। जैसे एम और एन याद हो गया तो एल अपना 12 हो गया भाई, एल अपना 12 हो गया आपका, ओ आपका 15 है ही है, पी 16 हो गया, क्यू 17 हो गया, वैसे ही पता लग जाएगा, फिर एस 18 हो गया, टी 19 हो गया, ओ सॉरी आर 18 हो गया, आर एस, एस 19 हो गया, टी 20 हो गया, ऐसे आप आसपास पहुंच जाओगे बेटा। तो ये आपको, ये जो मैंने लिखे हैं ये तो याद होने ही चाहिए आपको, ये तो याद होने ही चाहिए, ये याद होंगे तो अपना पहुंच जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ई जे ओ टी वाई, किंग्स इलेवन, फिर G7, M13, N14, P16, ठीक है। अब जैसे मैं तुमसे कभी भी बोलूं, अब देखो कितना इजी हो जाता, सी ए बी सी डी जी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए बी सी डी तो सबको पता होता है। अब मैं अगली वाली रो पे जाता हूं, सपोज आपने बोला के, अब के क्या होगा, जी जी सेवन है, एच 8 है, आई के एल, तो के पे क्या आएगा बेटा, के पे 11 आएगा, अपन के तो बोल ही चुके ना, के तो 11 है ही हमारा। अब जैसे मैंने आपसे बोला एच, एच कितने पे आएगा, 8 पे आएगा, क्योंकि जी के बाद आता है। आई 9 पे आएगा भाई, एच 8 पे आएगा, आई 9 पे आएगा। अभी वाली सेकंड लाइन भी पूरी हो गई आपकी, सेकंड लाइन भी पूरी हो गई। अब तीसरी लाइन की बात करें, के 11, एल मुझे पता है ही है, एम है, एल आपका 12 है, एम 13 है, एन 14 है, वो लिखा हुआ ही है, ओ 15 है, तो ये वाली लाइन भी पूरी हो गई आपकी, आई नो, आई नो। हाँ ये भी हो सकता है आई नो, वो तो अपने हिसाब से याद करना है भाई आपको, लेकिन एक बार याद होंगे तभी जाके अच्छा रहेगा, एक बार आपकी सारी चीजें याद होंगी तभी जाके अच्छा रहेगा। अब देखो तीसरी लाइन हमने बोली दी थी, पी 16 हमने बोली दिया, क्यू 17 हो गया, हाँ वेरी गुड वेरी गुड विजयवर्धन, वेरी गुड। पी और क्यू की भी है क्या है, बोल याद नहीं आ रही, वेरी गुड। चलो वैसे ही याद हो जाएगा, क्यों अपन को ना ज्यादा वो करना है, वैसे ही याद हो जाएगा। चलिए अब अपन प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम, कोडिंग डिकोडिंग। मैं सबसे पहले लेटर लेटर ले कोडिंग की बात कर रहा हूं, लेटर लेटर कोडिंग, लेटर लेटर कोडिंग। भाई मैं तुमसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज दोनों क्लासे अटेंड करो, 15 दिन की बात है, 15 दिन की भी बात नहीं है पूरी, 15 दिन भी मैक्सिमम नहीं है, बस 15 दिन भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, कोर्स कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा अपना, मुझे लगता है अगले 10 दिन में अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं बचा। चलिए हम बात कर रहे हैं लेटर लेटर कोडिंग की, इन्हें सर्टेन कोड, पहला क्वेश्चन, इन्हें सर्टेन कोड टीचर इज कोडेड एज, टीचर इज कोडेड एज बीजीसी, बीजीसी ईजेजीटी,
देन चिल्ड्रन इज कोटेड एज टीचर इज कोटेड एज वी जी सी ई जे जी टी देन हाउ इज चिल्ड्रन इज कोटेड एज. अब देखो चिल्ड्रन आप कैसे कोट करेंगे, टी टी का मैंने क्या बोला था, बीस बोला था ना, अरे टी बीस बोला था, तो यू वी बाईस मतलब प्लस दो और फाइव, ये सेवन हो गया, ये एक हो गया, ये तीन हो गया, ये सी तीन हो गया, ये पांच हो गया, मतलब प्लस दो दो का डिफरेंस आ रहा है भाई, सब में प्लस दो दो का डिफरेंस आ रहा है. आठ दस पांच सात आठ अठारह बीस, सब में प्लस दो हो रहा भाई, सब में प्लस दो हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा, सब में प्लस दो. अब सब में प्लस दो हो रहा है तो देखो ये तीन तीन है तो ये पांच हो गया भाई, ये आठ है तो ये दस हो गया आपका जे, आई है, आई आपका कितना है, आई नो बोला था ना तेने, ई जे के, हाँ तो नो पर ग्यारह किंग्स इलेवन वेरी गुड. एल तेरह और बारह चौदह एन टी ई एफ डी आर एस टी ई एफ जी, जी पे कितना आठ, ई जी पे कितना आ रहा जी सेवन सो, और एन एम एन ओ पी ई पे कितना आया सोलह, क्या आ रहा है, यही आ रहा है, ये सेवन पे की जगह अपन को जी लिखना पड़ेगा, तो क्या आ रहा है वैल्यू, ये हमारा वैल्यू क्या आ गया, ई जे के एन एफ टी जी पी, क्लियर है, क्लियर है. चलिए चलिए ठीक है, तो ये इस तरह से बेटा बहुत इजी पार्ट है, एक बार आपको सारे याद हो जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको याद हो जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एक बार याद होने चाहिए बस, और दो तीन क्वेश्चंस करोगे अपना आप याद हो जाएंगे. तो ये आपका लेटर लेटर कोडिंग है, बस आपको ये देखना है कि कितना का डिफरेंस आ रहा है, बस उससे काम चलता है. अगला देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नाउ दिस इज कोडेड एज टी एन ई एम E-T, A-T-S, A-T-S, then how is politically is coded is, politically is coded is. अब ध्यान से देखो भाई नेक्स्ट वाले को, नेक्स्ट वाले को यदि हम ध्यान से देखते हैं स्टेटमेंट, तो बेटा एक चीज देख लो कि ये उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान से देखो स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है, S T A T E M E N T, तो ये आपका लिखा हुआ है T N E, पूरा उल्टा लिखा हुआ है, तो पॉलिटिकल को भी उल्टा लिख दो गया, L A C I T I L O T, so this is the coding of this, ये इसका कोडिंग हो गया, ये इसका कोडिंग हो गया, इसमें कोई दिक्कत, क्लियर, तो ये स्टेटमेंट का कोडिंग हो गया बेटा. Next, if health is coded as health is coded as G S K T S K Z B G G S K Z B G. Health is coded as. अब यदि हम health को इस तरह से कोड कर रहे हैं तो हमें निकालना है कि नोट को किस तरह से कोड करोगे नोट. अब पहले तो वही लिख दो जी एच आठ पांच एक बारह बीस आठ
जी सात कितना हो गया नाइनटीन हो गया तो ठीक है के इलेवन जेड ट्वेंटी सिक्स फिर डी फोर सेवन। अब क्या हो रहा है ये चीज समझते हैं अपन भाई। वैसे मुझे तो दिख गया, तुम्हें भी दिख गया क्या? मुझे तो दिख गया, तुम्हें भी दिख गया क्या? हाँ मुझे तो कोडिंग दिख गई भाई, तुम्हें दिखी क्या? नहीं दिखी बेटा, दिखनी चाहिए इसको, दिख गई भाई। कृतिका को भी दिख गई। कृतिका बेटा तू आजकल एब्सेंट ज्यादा रहती है, मेरे को बहुत दिनों बाद दिखाई दी है तो सबको दिख गई। अरे ये रहा देखो सर, ये एक एक कम है भाई, रिवर्स में एक एक कम है, रिवर्स में एक एक कम है। तो एच आठ हो गया जी, टी बीस तो उन्नीस हो गया एस, आर आर का एक कम करो क्यू, ओ का एक कम करो, ओ का एक कम करो एन है एन, और एन का एक कम करो M. तो इसका क्या हो गई कोडिंग जी एस क्यू एन एम, जी एस क्यू एन एम। समझ में आया? समझ में आ गया सबको? ये इसकी कोडिंग हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और देखते हैं In a certain code, Delhi is coded as CCIDD. Then how is Bombay is coded as? Sir, अपने निकालना है कि Bombay is coded as. Bombay किस तरह से कोड करेंगे? अब पहले तो बेटा इनको लिख लो, ज्यादा अच्छा है। चार पांच बारह आठ और आई नौ, फिर यहाँ चार से तीन आया, पांच से तीन आया, बारह से नौ आया, और आठ से पांच है चार आया, और नौ से भी चार आया। बेटा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, सही है? माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, यही आ रहा है। तो माइनस वन ए, माइनस टू ओ का माइनस टू कितना होगा? एम होगा ना, माइनस थ्री, तेरह का तीन दस, जे बी, बी का माइनस चार, बी का माइनस चार बोलो एक्स, बी का माइनस चार भाई, माइनस दो तो हो गया आपका बी ए चेड एक्स हो गया, ठीक है। ए का माइनस पांच, ए का माइनस पांच बोलो, बोलो ना ए का माइनस पांच, कौन जवाब दे रहा है? एक मिनट ले, ए का माइनस पांच, अरे भाई ए वी पक्का भी, चलो लिख देते हैं तुम बोल रहे हो। और वाई का माइनस छ, वाई है पच्चीस, पच्चीस का माइनस छ करोगे तो उन्नीस, कितना आ रहा है एस, तो इसका आ गया ए एम जे, अभी देख लेते चेक कर लेते ए एम जे एक्स वी एस, बिल्कुल सही आ रहा है भाई, बिल्कुल सही आ रहा है। ये इसकी कोडिंग हो गई, इसमें कोई दिक्कत? सर एक बार और रिपीट कर दो भाई, देखो इधर तीन तीन नौ चार चार, ये देखो ये दो तो कितना है पंद्रह तेरह दो एक पच्चीस, दो एक पच्चीस में से दो गया तेरह, तेरह में से तीन गया दस, दो में से चार गया
दो में से चार गया तो दो तो एक और सोलह तीन तेईस, ए में से पांच गया, पांच का मतलब है छब्बीस माइनस पांच कितना बचेगा भाई, एक वी तो आएगा, नंबरिंग क्या आएगा, एस टी यू वी बाईस आएगा भाई, छब्बीस और एक सत्ताईस हो गया ना, हाँ ठीक है, पच्चीस, पच्चीस में से छह गया उन्नीस, ये बचा। अब एक पे क्या है हमारा ए, तेरह पे कौन है हमारा एम, जे, तेईस पे कौन है हमारा, तेईस पे कौन है, बीस पे भाई आपका ओ है, टी है, टी यू वी, ट्वेंटी थर्ड पे डब्ल्यू, ये यहाँ पर ट्वेंटी थ्री पे क्या आ रहा है सर, ट्वेंटी फोर आएगा, ट्वेंटी फोर आएगा, वही देखो भाई आपका बी है ना, तो बी दो है, तो दो में से आपको चार माइनस करना था, तो माइनस आपका तीन ही तो होगा, तो चार माइनस करना है तो ट्वेंटी फोर आ गया, ट्वेंटी फोर पे कितना हो गया एक्स, एक्स ट्वेंटी टू पे वी, और उन्नीस पे कितना आएगा आपका एस, एस। अब देखो ये तुम्हें यदि दिक्कत आ रही है तो मैं तुम्हें एक चीज और तरीका बताता हूँ भाई, ये किस पे आएगा, ये दो है तो छब्बीस और दो लिख दो आपका, अट्ठाईस लिख दो, छब्बीस और एड कर दो अट्ठाईस लिख दो, अब अट्ठाईस में से चार माइनस करो तो चौबीस आ गया आपका डायरेक्ट, मेरी बात समझ में आई भाई, मैं दोबारा समझाता हूँ, जैसे ये आपका है एक मिनट दोबारा देखो, बी दो है तो दो में से एक के, ये तो एक आ गया, पंद्रह में से दो गया तो तेरह आ गया, ये भी ठीक है, तेरह में से तीन गया तो ये भी दस आ गया, ठीक है दो, अब क्या पीछे जा रहा है तो छब्बीस सौ दो अट्ठाईस हो गया, अट्ठाईस में से चार गया तो चौबीस, सबसे इजी तरीका, एक छब्बीस और एक सत्ताईस, सत्ताईस में से पांच गया तो बाईस, और पच्चीस, पच्चीस में से छह गया तो उन्नीस, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, ठीक है, ऐसा करा करो आप, छब्बीस से एड कर दिया करो यदि पीछे जा रहा है तो, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छब्बीस प्लस दो अट्ठाईस, अट्ठाईस में से चार गया तो चौबीस आ गया आपका डायरेक्ट, क्लियर है बेटा आप सबको, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, तो कभी भी पीछे जाए तो प्लस छब्बीस कर देना मुझे, कभी भी पीछे जाना है तो प्लस छब्बीस कर देना, चलिए नेक्स्ट, K A B E R I Kaveri is coded as B A P A K I R E. Then how is Mysore is coded as? तो हमें निकालना है कि मैसूर किस तरह से कोड किया है, मैसूर को किस तरह से कोड किया, देखिए कौन बताता है, How is Mysore is coded as? बहुत easy है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए आपको दिख जाएगा किस तरह से कोड किया है, बिल्कुल सही है, सिमेरो भाई तीन तीन आधे आधे और ना, पहले इसको पीछे लिखा है, इसको उल्टा लिखा, तो एस वाई एम ई आर ओ, आधा आधा लिखा भाई, आधा उल्टा आधा उल्टा, तो सिमिर क्लियर है, क्लियर है, इस तरह से हुआ, नेक्स्ट
gold is coded as home. Come is coded as done. And code is coded as doors. How would sons would be coded as? How would sons would be coded as? Gold is coded as home. बोलिए सन्स इज कोडेड एज बोलो बताइए POMT, ROMR, नहीं बेटा TOMT किसने बताया था? नहीं TOMT भी गलत, TOOT, STO MNOST TWT ये आएगा भाई ओनली कॉन्सोनेंट प्लस वन हो रहा है ओनली कॉन्सोनेंट प्लस वन हो रहा है वोवल्स का कुछ नहीं हो रहा ओनली कॉन्सोनेंट प्लस वन हो रहा है वोवल्स का कुछ भी नहीं हो रहा है वोवल्स को हमने एज इट इज लिखा है तो यहां पर वोवल ओ ही है तो ओ एज इट इज बाकी को प्लस वन कर दूंगा एन का बताओ अरे एम एन एन क्या ओवल थोड़ी है एन तो कॉन्सोनेंट है तो एम एन ओ प्लस वन हो रहा है भाई सब भाई मैंने क्या बोला ये ओ ओवल से एज इट इज ओवल से एज इट इज ओवल है एज इट इज जो ओवल है वो एज इट इज आएगा बाकी प्लस वन होगा तो एस कॉन्सोनेंट है तो प्लस टी प्लस वन तो ओवल है एज इट इज एन कॉन्सोनेंट है तो एन के बाद ओ आएगा और एस भी कॉन्सोनेंट तो टी है अब आ गया समझ में अब आ गया समझ में सबको क्लियर है चलिए नेक्स्ट बेटा बहुत सारी कोडिंग होती है इसलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा ये वाला अच्छा प्रॉब्लम था ये वाला जिसमें हमें इस तरह से सोल्व करना पड़ता नेक्स्ट Oriental is coded as M B U O F J S P. Then how is C O W Cowardly is coded as? Cowardly is coded as. देखो भाई इसको ओ इज ओ ओरिएंटल इज कोडेड एज एम बी और दिस देखो ओ अरे ये तो इजी है यार नहीं ये जेड कैसे आ गया जेड कैसे आ गया जेड कैसे आ गया बेटा जेड तो आएगा ही नहीं अच्छा हाँ वाई प्लस जेड सॉरी सही वाई जेड
एल एम डी ई आर एस ए बी डब्ल्यू एक्स ई सी डी, ठीक है, उल्टा प्लस वन, रिवर्स प्लस वन, इसका आएगा आंसर रिवर्स प्लस वन, क्लियर है, पहले भी कर चुके हैं अपन। अरे बेटा रिपीट क्या है, किसने बोला रिपीट, बेटा रिपीट किसने बोला है, दोबारा देखें, किसने पूछा था रिपीट, बेटा अनीसा प्लस उल्टा करके प्लस वन, उल्टा करके प्लस वन, सर ओ का ये कैसे हुआ, ओ का ये कहा हुआ, ये क्या है, पंद्रह सोलह फिर आर अठारह उन्नीस आई नौ दस ई पांच छह एन चौदह पंद्रह एस टी बीस इक्कीस ए एक दो एल बारह तेरह। मैंने उल्टा किया था, अब कोवाड ली, उल्टा कैसे किया था, मतलब L का M, A का B, का U, L का ना 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 ऐसे नहीं, अब इसका C, C का D, अब तो आ गया समझ, हाँ मैंने वैसे उल्टा किया था, हाँ वो गलत हो गया ना, ऐसा हो गया, तो देखो इधर C का D, O का P, W का X, A का B, R का S, D का E, L का M और Y का Z। अब क्लियर है सबको, अब सबको क्लियर है, बेटा इसमें एक बोतल रख देना, इसमें बोतल रख देना है, नेक्स्ट certain is coded as x b I G Z R M, हाँ ठीक है भाई, ये है भाई, अरे नहीं गिरेगी बेटा जा, हाँ रख दे, बड़ी वाली क्यों बड़ी है, इसको देखो बेटा कौन की, अब सी की कोडिंग क्या है भाई, सी क्या है आपका तीन, और ये कितना है एक्स, एक्स कितना है चौबीस, अब पांच बाईस आर अठारह नौ टी बीस सात ए एक छब्बीस नौ अठारह एन चौदह तेरह, एक चीज समझ में आई, एक चीज समझ में आई, दोनों का सम सत्ताईस है, दोनों का सम ट्वेंटी सेवन है, और कभी भी दोनों का सम ट्वेंटी सेवन होने का मतलब है ये स्टार्टिंग से ये पीछे से, जैसे वो स्टार्टिंग से थर्ड है तो ये नीचे पीछे से थर्ड है, ये रिवर्स डायरेक्शन है। अब यदि आपसे पूछे ब्रदर को क्या बोलेंगे, बी आर ओ टी एच ई आर, ब्रदर कैसे कोट करेंगे, यदि दो है तो पच्चीस आएगा, आर आपका अट्ठारह है तो नौ आएगा, ओ आपका पंद्रह है तो बारह आएगा, टी बीस है तो सात आएगा,
एच आठ है तो 19 आएगा, पांच है तो 22 आएगा, और आर आपका 18 है तो 9 है, ये आएंगे बेटा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो 25 पर कितना आता भाई, आई पे कितना आता और नो पे कितना आता आई, 12 पे कितना आता है एल, 7 पे कितना आता है जी, 19 पे कितना आता है एस, 22 पे कितना आता है वी, और जी 9 पे कितना आता है आई। सो व्हाट इज द कोड, इसका कोड कितना हो गया, वाई आई एल जी एस वी आई। क्लियर है? क्लियर है? ये सबसे अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें इस तरह से होगा कोडिंग। तो ये थी हमारी लेटर लेटर कोडिंग, इसको हम बोलते हैं लेटर लेटर कोडिंग, इस तरह से लेटर लेटर कोडिंग होती है। अब देखो एक होती है डिकोडिंग, आपने कोडिंग ही बोला है डिकोडिंग, भाई आपको उल्टा दे दे और पहले वाला पूछे, उल्टा दे दे पहले वाला पूछे, ऐसा भी तो पूछ सकता है वो आपसे। ऐसे पूछेगा वो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, वो क्वेश्चन इस तरह से बोलेगा, कैसे बोलेगा इधर से, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इन अ सर्टेन लैंग्वेज पॉपुलर इज कोडेड एज क्यू पी क्यू बी एम बी एस, देन विच वर्ड, ये लाइन को पढ़ना बेटा, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज G P N P B T, मतलब कौन सा वर्ड का कोडिंग ये होगा, उल्टा पूछ रहा है बेटा, विच वर्ड बी कोडेड एज P Q। देखो यहाँ पर प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो इसका माइनस वन होगा क्योंकि उल्टा पूछ रहा है। G F दो एक M P, P का उल्टा O, B, U, T का उल्टा S। So what will be the, which word will be coded as G P G F G B N P V T famous। अब इसमें उल्टा पूछा which word would be coded as, तो आपको ध्यान से पढ़ना है लाइन, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में हमने कुछ भी कर दिया। स्टूडेंट जल्दबाजी में यही करता है, अच्छा इसकी कोडिंग निकालनी है तो जल्दी से कोडिंग निकाल देते हैं, जबकि गलत हो जाता है। कोडिंग ऐसे नहीं निकलती, कोडिंग आपको ध्यान से पढ़ो, क्या हमें कोड करने के लिए बोल रहा है कि डिकोड करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर डिकोड करने के लिए बोल रहा है। मेरी बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? विच वर्ड वुड बी कोडेड इज, ठीक है, इसका मतलब डिकोड करने के लिए बोल रहा है आपसे। क्लियर? चलो एक और कर लो इसी टाइप का, इन अ सर्टेन लैंग्वेज G R A S P graphs is coded as B M or B N K. Then which would be coded as, which would be coded as N? Then इसको coded किया क्रेन सर, देखो इधर G, ये हमारा 7 और ये हमारा 10, ये हमारा 18 और ये हमारा 13, तो माइनस 5 हो रहा है भाई, ये एक एक मतलब 26 और एक 27, 27 में 5 गया तो 22, ये है 18 19 19 माइनस 5 14, बिल्कुल सही आ रहा है, 30 16 माइनस 5 11, तो ये माइनस 5 है तो ये प्लस 5 होगा क्योंकि डिकोड करना है, तो यदि ये 3 है तो ये 8 आएगा, ये 18 है तो 23 आएगा, ये 1 है तो 6 आएगा, एन 14 है तो 19 आएगा, और ई 5 है तो 10 आएगा। अब इसको लिख दो भाई, ई पे क्या आ रहा है जो एच, 23 पे कितना आ रहा है भाई डब्ल्यू,
छे पे कितना आ रहा है के, नेक्स्ट के क्यों ई है, 19 पे कितना आ रहा है एस, और 10 पे कितना आ रहा है जे। मेरी बात समझ में आ गई, समझ में आ गया सभी को? तो ये आपका डिकोड वाला मामला है, ये वैसे कम ही पूछा जाता है लेकिन ये डिकोड वाला मामला है, इसमें इस तरह से डिकोड किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारी हुई लेटर लेटर कोडिंग, अब आती है हमारी लेटर नंबर कोडिंग, नंबर लेटर को लेटर नंबर कोडिंग। अब लेटर नंबर कोडिंग क्या होती है सब, लेटर नंबर कोड, लेटर नंबर कोड। अब हमें कुछ लेटर गिवन होंगे, मतलब जैसे आपसे बोल दिया जाए लेटर नंबर कोडिंग में किस तरह से करेंगे देखना है। P = 5, P and pen = 35, then what will be the page? तो पेज किसके इक्वल होगा? दिस इज लेटर नंबर नंबर लेटर नंबर कोडिंग। इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी मुझे, ई का वैल्यू 5 है, पेन का वैल्यू 35 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पेज? ई 5 है, पेन पेन का वैल्यू निकाल के देखते हैं भाई, पेन हो गया आपका 16 + 5 + 14 = 35, बिल्कुल सही है। तो पेज आपका होगा PAGE, 16 + 1 + 7 + 5, 16, 17, 17, 24, 29, सो व्हाट विल बी द कोड फॉर पेज 29? क्लियर है, क्लियर है? चलिए और देखते हैं। इफ रेड इज कोडेड एज, रेड इज कोडेड एज 6720, देन व्हाट वुड बी द ग्रीन इज कोडेड एज? ग्रीन कैसे कोड करूंगा? रेड इज कोडेड एज 6720, देन हाउ इज डी इज ग्रीन इज कोडेड एज? बताओ, रेड को कोड किया है आपका 6720 से, तो बताओ ग्रीन को कैसे कोड करोगे? तो आर का कितना होता है, आर का कितना होता है बेटा? 18, और ई को कोड होता है 5, और डी होता है आपका 4। देखो इससे 6720 कुछ बन रहा है क्या? 27/2 ना, मजा नहीं आया। बोलिए सर, 18+2 = 20 हो रहा है, फिर 5+2 = 7 हो रहा है। क्या बेटा? 18+2 = 20 हो रहा है, फिर 5+2 = 7 हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। 18 है तो ये 20 हो रहा है, ये 5 है तो ये 7 हो रहा है, और ये डी है तो 4 है तो 6 हो गया। आ गया, आप सबको दिख गया क्या? सबको दिख गया 18 का 20, 5 का 7, 4 का 6, वेरी गुड बेटा। तो इसका मतलब ग्रीन का क्या होगा? देखो सर, ये है 7 तो 9, 8, 20, 7, 7, 16, 1677209, 1677209, ये इसका कोड होगा बेटा। क्लियर, क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट AT is equal to 20, weight equal to 40, then KD will be equal to, then KD will be equal to, AT equal to 20, weight equal to 40, then KD equal to, बिल्कुल सही है 60। अब इसका लॉजिक ऐसे निकालोगे, ये 1 है और ये 20 है, तो 20 इंटू 1 इक्वल टू 20, 21 2 40, 21 इंटू 3 60, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसका लॉजिक ऐसे निकालोगे, इसका लॉजिक हम इस तरह से निकालेंगे, 20 इंटू 1 इंटू 3 60। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। इफ ई इक्वल टू 5 और टेल इक्वल टू 12 लैम्ब इक्वल और टेल इक्वल टू 12 देन लैम्ब इक्वल, बताइए। कौन बताएगा? बताइए बेटा, इजी है बेटा, इजी है, ध्यान से देखो आप। अच्छा, होटल को सम करने पे कितना आ रहा है, होटल को सम करने पे कितना आ रहा है ये बता दीजिए बस मुझे। 60 आ रहा है और ये मेरे को 12 की बनी, तो 60 से 12 कैसा आया होगा बेटा, 60 से 12 कैसा आया होगा सोचो। 60 से 12 डिवाइड बाय 5, और डिवाइड बाय 5 क्यों करा होगा, क्यों करा होगा डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 लेटर है, क्योंकि 5 लेटर है। अब लैम का निकालो, लैम का सम कितना आ रहा है भाई, 12 1 13 13 26 2 28 आ रहा है, 12 13 25 और 1 26 2 28 आ रहा है, और लेटर कितने हैं 4, तो 7 आ गया आंसर, तो इसका आंसर 7 आ गया। आया समझ में? तो बेटा ये आपका लेटर लेटर कोडिंग, नंबर लेटर कोडिंग, ये आपका था। अब हल्का सा पार्ट बाकी है बस कोडिंग का, जो मैंने कल भेजा है उसको ध्यान से पढ़ना, उसको एक बार देख लेना। कल अपन पहले तो क्या करेंगे, डीपीपी और मॉड्यूल डिस्कशन, किसका, डायरेक्शन सेंस का। बहुत हार्ड है, लिटिल पागल है क्या, काय का हार्ड है। नंबरिंग याद कर बेटा, नंबरिंग याद होगा तब जाके होगा। कल तक नंबरिंग याद कर लेना, कल और करेंगे क्वेश्चंस। जैसे मैंने बताया, देख मैं तेरे को बोल रहा हूँ नंबरिंग कैसे याद कर, हाँ ABCD याद करो, EJOTY, तो ये 5 याद करो, दोबारा बोल रहा हूं, फिर आप याद करो इसके बाद G7, ठीक है। अब जैसे इसने बोला I9, उसके बाद उसने बोला L12, M13 और M14, ये तो अपना भी याद हो जाए, फिर P16, SR18, वैसे याद हो गया, देखो S19, ठीक है, U 21,
वी 26 ते 22 ऐसे याद हो गया तुम, बस इतने से याद कर लो जिसमें हो गया पूरा काम, इतने से याद कर लो जिसमें सारे आ जाएंगे आपके, फिर कुछ भी नहीं बचेगा, बस ये जो लेटर लिखे ना इनको याद कर लो, अपना आप हो जाएगा सब। जैसे पी आया तो पी के बाद क्यों आता है, तो 16 का 17 हो गया, 18 मुझे याद है, ये 19 याद है, 20 याद है, 21 आपका यू हो गया, वी 22 हो गया, तो डब्ल्यू आपका 23 हो गया, एक्स आपका 24 हो गया, 25 याद है, 26 याद है, बचा क्या, सारे तो याद हो गए बेटा, सारे तो याद हो गए आपको, बचा क्या, आया समझ में, लिटिल कब तक याद कर लेना, फिर भी दिक्कत आएगी तो दोबारा बताएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, और करवा देंगे कोशिश, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो कल मैंने क्या बोला, कल डायरेक्शन सेंस की डीपीपी मॉड्यूल डिस्कशन प्लस डीपीपी डिस्कशन, ये कल पहले करेंगे, फिर उसके बाद इसका बाकी का पार्ट करेंगे, कल कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा आपका, कल कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारे दो चैप्टर, फिर हमारा सीरीज बचेगा, स्लोज में बचेगा और अरेंजमेंट बचेगा, ठीक है, चलिए।